और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बकरे बकरियों की बीमारियों में सबसे ज्यादा खर्च होता है। अगर आपने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है और आपने बकरी पालन शुरू कर दिया है, आपके पास 50 बकरी या 100 बकरी है, तो डेली आपको 1 से 2 बकरियां बीमार मिलेंगी। और जब बकरियां बीमार मिलेंगी तो आप डेली बेसिस पर डॉक्टर को बुलाएंगे, जिससे कि डॉक्टर की जो फीस है आप वो पे करेंगे, तो आप देखेंगे कि बकरी पालन में आपकी पर बकरी का खर्च बहुत ज़्यादा आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉल फीड पर बकरी पालन के बारे में। जैसा कि आप लोग अगर हमारे वीडियोस देखते हैं तो आप जानते होंगे मैं एक बकरी पालक हूं और कमर्शियल लेवल पर स्टॉल फीड पर बकरी पालन करता हूं। अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो आपने कमेंट्स में पढ़ा होगा कई हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं और कई ऐसे बकरी पालक हैं, कुछ नवयुवक हैं, जो कमेंट करते हैं कि सर स्टॉल फीड पर बकरी पालन नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आप स्टॉल फीड पर बकरी पालन कर रहे हैं तो आपका बकरी फार्म फेल हो जाएगा, आप कमाई नहीं कर पाएंगे, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि स्टॉल फीड पर बकरी पालन कैसे किया जाता है और बकरी पालन फेल होने के क्या कारण होते हैं, क्या स्टॉल फीड पर ही बकरी पालन फेल होते हैं या क्यों हो जाते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो मैं आपको बता दूं कि बकरी पालन का जो बिजनेस है, जो नए लोग कर रहे हैं, सब नवयुवक कर रहे हैं, वो समय से पहले बंद हो जा रहे हैं। तो बकरी फार्म फेल होने के पीछे मेन रीज़न बकरे बकरी के ऊपर हो रहा है खर्च नहीं है, जानकारी का अभाव है। बकरी पालक कहीं से भी ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, मतलब नवयुवक जो है वो बकरी पालन कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो वो कहीं से ट्रेनिंग नहीं लेते हुए बकरी पालन शुरू कर देते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि कैसी बकरी खरीदनी है, कौन सी ब्रीड पर काम करना है, कितनी बकरियों से बकरी पालन शुरू करना चाहिए। उन्हें इलाज करना नहीं आता है, उन्हें ये नहीं पता है कि बकरियों को कब क्या खिलाना है, कौन से मौसम में कौन सा चारा, कौन सा दाना खिलाना है। जब तक बकरी पालन की पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक आप बकरी पालन में सक्सेस नहीं हो सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया और आप जानते हैं कि मैं खुद भी एक बकरी पालक हूँ और आप देख सकते हैं हमारी बकरियों को बहुत ज़्यादा हेल्दी बकरियाँ हैं हमारे पास, और ये बकरियाँ सिर्फ भूसे में पलती हैं। थोड़ा पास से दिखाना, आप ही देखेंगे बकरियाँ सिर्फ चने का भूसा खा रही है। इसमें हम लोग 30% 25% हरा चारा मिलाते हैं क्योंकि ज़्यादा चारा नहीं हो पाता है। कुछ लोग तो 50% 70% तक चारा मिला लेते हैं, पर हम 30% चारे पर साथ में ड्राई फोडर चने का भूसा 365 दिन खिलाते हैं, जिससे कि बकरी पालन में हो रहा खर्च बहुत कम किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बकरे बकरियों की बीमारियों में सबसे ज़्यादा खर्च होता है। अगर आपने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है और आपने बकरी पालन शुरू कर दिया है, आपके पास 50 बकरी या 100 बकरी है, तो डेली आपको 1 से 2 बकरियां बीमार मिलेंगी। और जब बकरियां बीमार मिलेंगी तो आप डेली बेसिस पर डॉक्टर को बुलाएंगे, जिससे कि डॉक्टर की जो फीस है आप वो पे करेंगे, तो आप देखेंगे कि बकरी पालन में आपकी पर बकरी का खर्च बहुत ज़्यादा आएगा। इसके अलावा कई लोग बताते हैं कि सर हम तो हमारी बकरियों को 1-1 किलो दाना खिला देते हैं, तो ये भी एकदम गलत है। आप चाहे तो 5 किलो खिला दीजिए अगर वो डाइजेस्ट कर रही है तो। पर कमर्शियल लेवल पर अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, बकरी पालन से कमाई करना चाह रहे हैं, तो कितनी मात्रा में क्या चीज़ खिलानी है, दाना मिश्रण कितना खिलाना है, ड्राई फोडर ग्रीन फोडर कितना खिलाना है, तो ही आप सक्सेस हो पाएंगे। अदरवाइज जितने में आपकी बकरी नहीं बिकेगी उससे ज़्यादा का आप उसे खिला देंगे, जिससे कि समय से पहले बकरी फार्म बंद हो जाते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि बकरे बकरियों पर स्टॉल फीड पर बाड़े में रखकर बकरे बकरियों को पालने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है, जिसकी वजह से बकरी फार्म बंद। पर ऐसा नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको अगर नॉलेज नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है बकरियां पालने का, तो आपको कब क्या करना है वो आपको पता नहीं होगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खर्च कर देंगे और आप उससे कमाई नहीं कर पाएंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि हमारी बकरियां चने का भूसा खा रही है, और चने का भूसा अगर आप सीज़न पर जब चने की कटाई आती है, फसल आती है, उस समय अगर आप लेते हैं तो 2 रुपये किलो से लेकर 3 रुपये किलो बीच में आपको चने का भूसा मिल जाता है, जो कि 365 दिन हम खिलाते हैं। बड़बड़ी नस्ल की बकरियाँ हमारे पास, सिरोही नस्ल की बकरियाँ भी हैं, कुछ सोजत भी है हमारे पास, तो सभी बकरियाँ चने का भूसा ही खाती है। और कई बकरी पालक बोलते हैं कि सर चने का जो भूसा है उसकी तासीर गर्म है तो बकरी बच्चा अबॉर्ट कर देती है, तो हमारे फार्म पर ऐसा नहीं होता है। और आप भी खिलाकर देखिए अपनी बकरियों को चने का भूसा, वो कभी बच्चा अबॉर्ट नहीं करेगी और उसकी तासीर इतनी गर्म नहीं होती है कि वो बच्चा अबॉर्ट कर दे। बकरियाँ बहुत ही ईजी वे में उसे डाइजेस्ट कर लेती है। तो आपको चारे की तरफ भी तभी जाना है, ग्रीन चारे में भी आपको ऐसे जाना है जिसमें कि आप कम से कम खर्चे में ज़्यादा अच्छा चारा ले सकें। जैसे मैंने पहले बताया था एक वीडियो में कि आप सुपर नेपियर लगाइए। सुपर नेपियर अब एक बार लगाएंगे 7 से 8 साल तक चलेगा, जिससे कि बहुत कम खर्च में बकरे बकरियों को ड्राई फोडर तो मिल ही रहा, साथ में ग्रीन फोडर भी मिलेगा। और जैसा कि बकरी पालक बताते हैं कि सर हमारे पास 10 बकरी है, 20 बकरी है, तो हम जंगल चराई पर ले जाते हैं तो हमारा बिल्कुल खर्च नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि हर जगह, हर क्षेत्र में इतने खेत, इतने जंगल नहीं है कि हर जगह बकरे बकरियों को जंगल ले आ सके,
मतलब चराई पर रख सकें। हो सकता है किसी एक किसान दो किसान के पास जंगल होगा या खेत होगा आसपास खाली, जहां पर वो चराई पर ले जाते होंगे, पर इतने जंगल नहीं है जहां पर कि आप कमर्शियल लेवल की जो बकरियां है, मतलब एक बड़े पैमाने पर आप बकरी पालन कर सके। तो ऐसे में आपको स्टॉल फीड पर ही बकरी पालन करना है। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 सालों से, लास्ट 5 ईयर से हम बकरी पालन का बिजनेस कर रहे हैं और स्टॉल फीड पर ही कर रहे हैं। और आप कभी भी हमारे अपने फार्म पर आकर विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं हमारा बकरी फार्म का जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा सक्सेस है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा पहले का फार्म है जो आज से 5 साल पहले हमने बनाया था। देन अभी जो फार्म बनाया है वो आप देख पा रहे हैं जिसके अंदर मैं खड़ा हूँ इस समय, ये 525 बकरे बकरियों का फार्म है। आप देखेंगे सारी बकरियाँ जो बड़े नस्ल की बकरियाँ हैं, सिरोही, ये सारी बकरियाँ बहुत ज़्यादा हेल्दी है और सिर्फ चने का भूसा और ग्रीन फोडर खा रही हैं। इसके अलावा दाना मिश्रण में हम मिल्किंग गोट्स में यूज़ करते हैं, मतलब जो बच्चा दे चुकी बकरी होती है उसको दाना मिश्रण खिलाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम देसी इलाज यूज़ करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर वीडियोस देखते हैं तो आप जानते होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं हम देसी इलाज पर, जिससे कि बकरियों में जो बीमारियाँ होती हैं उनमें दवाइयों पर जो खर्च होता है वो एकदम कम कर देते हैं, जिससे कि हम इनकम अच्छी ले पाते हैं। और हम देसी इलाज इसलिए चैनल पर डालते हैं जिससे कि जो बकरी पालन का बिजनेस कर रहे हैं वो भी देसी इलाज से बकरियों को ठीक कर ले, तो उसका भी मेडिसिन पर जो खर्च होना है दवाइयों पर ना हो और उसका बकरी पालन फेल ना हो। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता होता है और बकरी पालन का बिजनेस शुरू कर लेते हैं, लोन लेकर शुरू कर लेते हैं बकरी पालन का बिजनेस, वो फाइनली बंद कर देते हैं और सबको यही बोलते हैं कि बकरी पालन का बिजनेस स्टॉल फीड पर नहीं चल सकता है, इसमें खर्च बहुत ज़्यादा है, कमाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए बकरी फार्म बंद हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बकरा बकरियों की बीमारी का इलाज करना आता है, उनकी बीमारी को डायग्नोसिस करना आता है, तो आप बकरी पालन में कभी फेल नहीं हो सकते। सबसे ज़्यादा बकरी फार्म बंद हो रहे हैं बकरे बकरियों की मॉर्टिलिटी की वजह से, मतलब बकरे बकरियों की मृत्यु की वजह से। बकरी पालक को पता नहीं होता है कि उसे कौन सी बीमारी हुई है, वो डॉक्टर पर डिपेंड रहते हैं, ऐसे में बकरे बकरियाँ समय से पहले मर जाते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और बकरी फार्म बंद हो जाते हैं। अगर आप बकरी पालन करते हैं तो आप जानते होंगे कि बकरे बकरियों में वैक्सीनेशन का होना बहुत ज़रूरी है, मतलब टीके लगाना बहुत ज़रूरी है। और जो छोटे लेवल पर बकरी पालन कर रहे हैं उनको पता नहीं होता है कि इन्हें वैक्सीन कौन सी लगानी है, कब लगानी, इसके क्या फ़ायदे हैं। इसकी वजह से बकरे बकरियों में PPR, FMD, ET ऐसे खतरनाक वायरस आ रहे हैं और बकरी पालकों की बहुत ज़्यादा बकरे बकरियाँ मर रहे हैं, तो इस वजह से भी बकरी फार्म बंद हो रहे हैं। तो आपको सबसे पहले बकरे बकरियों की बीमारी को डायग्नोसिस करना, मतलब उसकी बीमारी को पकड़ना आना चाहिए, फिर उसका इलाज करना आना चाहिए। इलाज में कम से कम खर्च में देसी इलाज से आप इलाज करें। जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि हमारे फार्म के अंदर कभी भी डॉक्टर नहीं आते हैं, हम खुद ही अपने बकरे बकरियों का वैक्सीनेशन करते हैं, जब भी कोई बीमारी होती है उसे डायग्नोसिस करके उसका इलाज करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा देसी इलाज अपनाते हैं, जिससे खर्च भी कम होता है और समय से बकरा बकरी ठीक भी हो जाता है। इसके अलावा आपको मैंने जैसे बताया कि बकरे बकरी को कौन से मौसम में क्या खिलाना है, कितनी मात्रा में खिलाना है, उसका जानना बहुत ज़रूरी है। आप हर मौसम में सेम दाना मिश्रण खिलाएंगे, हर मौसम में सेम आप हरा चारा खिलाएंगे, तो ऐसे में आपका बकरा बकरी कभी स्वस्थ नहीं रहेगा, उसका इम्यूनिटी लो होगा, वो बीमार होगा, फिर आप उसका इलाज करेंगे, फिर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे। तो ऐसे में आपको इस चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस मौसम में क्या खिलाना है, दाना मिश्रण में आपको कहाँ पर कॉस कटिंग करनी है, मतलब जो दाना आप खिला रहे हैं उसमें से आपको कौन सा दाना हटाकर, मतलब उसमें ऐसा क्या खिलाएं जिससे कि बकरियाँ भी स्वस्थ रहें आपकी और कम से कम खर्च में दाना मिश्रण लगें। ऐसे ही आप भी बकरी पालन का बिजनेस अगर करते हैं तो आप बकरी पालन से बहुत अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे और कभी आपका फार्म बंद नहीं होगा और ना ही आप कभी किसी के वीडियो पर जाके कमेंट करेंगे कि सर बकरी पालन स्टॉल फीड पर या बाड़े में रखकर बकरे बकरियों को नहीं पाला जा सकता या बहुत ज़्यादा खर्च होता है। बस आपको बकरियों को स्वस्थ रखना आना चाहिए, मतलब उसकी इम्यूनिटी हमेशा हाई रखनी पड़ेगी आपको, उसको ऐसा दाना मिश्रण, ऐसा ड्राई फोडर, ग्रीन फोडर देना होगा, आपका मॉनिटरिंग प्रॉपर होना चाहिए जिससे कि आपकी बकरियाँ जब बीमार हो तो आप समय से पहले उसका इलाज कर दें जिससे कि वो कमज़ोर नहीं होगी। क्योंकि बकरे बकरियों का इलाज समय से ना होने की वजह से वो स्ट्रेस में रहती है, वो बीमार होती जाती है, फिर वो कमज़ोर होती जाती है। ऐसे में आप इलाज करते हैं उससे तरह तरह के दाना मिश्रण और महंगी से महंगी चीज़ें जो मल्टीविटामिन और कैल्शियम होते हैं वो पिलाएंगे, तो इससे खर्च भी बहुत ज़्यादा होगा पर आपकी बकरी रिकवर नहीं होगी, और अगर रिकवर होगी तो आप उस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर चुके होंगे पहले से। तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ कि आपका बकरा बकरी स्वस्थ रहे। जब तक आपका बकरा बकरी स्वस्थ रहेगा वो समय से हीट पर आएगा, समय से बच्चा भी देगा और उसका बच्चा भी तंदुरुस्त रहेगा। तो अगर आप बकरी पालन का बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो सबसे पहले बकरी पालन का एक्सपीरियंस लीजिए, मतलब कहीं से अच्छी जगह से प्रैक्टिकली ट्रेनिंग लीजिए जिससे कि आप बकरी पालन का बिजनेस सही ढंग से कर सकें और आप मुनाफा कमा सकें, ना कि आप 1 महीने 2 महीने बाद अपने बकरी फार्म को बंद कर दें।
अगर आपने अभी तक कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है तो आप हमारे अपने फार्म पर आकर प्रैक्टिकली ट्रेनिंग ले सकते हैं। अपने हाथों से आप अपना फार्म समझकर यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिससे कि आपको बकरी पालने में कभी किसी तरह की समस्या नहीं होगी। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।